क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू राउंड सिक्स मैच टू की अगर बात की जाए जो कि हुआ ओमान और नेपाल के बीच में, और यहाँ पर अगर एन जो मैच प्रीव्यू में जो हमने कल मैच प्रीव्यू बनाया था ओमान वर्सेस नेपाल, जो हम उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें से कई सारी एग्जैक्टली चीज़ें हमें इस मैच में देखने को मिली है। और जैसे कि उस मैच में हमने कहा था कि ये मैच जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में, और इन दोनों का जब सामना होगा तो हमें एक बहुत ही डेडली मैच देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। अगर नेपाल, अगर ओमान के पास मौका था कि वो किसी को हराकर अपने जीत पे वापस आए तो वो नेपाल थी, और अगर नेपाल के पास कोई मौका था कि वो किसको हराकर वो विंस में वापस आए तो वो डेफिनेटली ओमान टीम थी। दोनों ही काफी स्ट्रगल कर रहे थे और दोनों के बीच में ये मुकाबला था, तो उम्मीद थी कि बहुत ही कॉन्टेस्ट और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा, और एट द एंड हमें वही देखने को मिला जहां पर एक गेंद और लास्ट बॉल पर, लास्ट ओवर में आकर कहीं ना कहीं ये चीजें डिसाइड हुई, जहां पर एक बाउंड्री और सारी जो मैं एक तरफ खुशियां खुशियां और दूसरी तरफ जो है पूरी तरह से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद जो है डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, सैडनेस हाथ लगी है अगर आप बात करें नेपाल के पर्सपेक्टिव से। चलिए ये तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, अब जरा मैच में घुसने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ओमान ने क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छी की इस मैच में, और क्या क्या बहुत सारे ब्लंडर भी किए हैं ओमान ने। ओमान जीती है इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलतियां नहीं की हैं, वो गलतियां एक्सपोज हो जाएंगी कनाडा के साथ, आज नहीं हुई, चलिए आज बच गए, लेकिन दो पॉइंट कलेक्ट किए वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पॉइंट होता है, लेकिन जो गलतियां हुई हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी जब और अपने से स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ खेलेंगे, या नेपाल ने बहुत सारे एक्सपोज कर ही दी थी ऑलमोस्ट आज ही के मैच में। एंड और नेपाल के लिए क्या कुछ छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, क्या कुछ बेहतरीन चीजें भी हुई हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे आपको बारीकी से। लेकिन एंड हमेशा की तरह हम अपने बेसिक के साथ चलते हैं, शुरुआत करेंगे फेस बाय फेस से। जरूर, अगर 1 से 10 ओवर की बात करें तो नेपाल ने 19 रन बनाए और 1 विकेट के नुकसान पर, वहीं क्या गया ओमान ने 50 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए, और बहुत बड़े अंतर से ओमान ने ये फेस अपने नाम किया। 11 से 40 ओवर की बात करें तो यहां नेपाल ने 117 रन किए 3 विकेट के नुकसान पे, वहीं ओमान ने इस फेस में 134 रन किए 6 विकेट के नुकसान पर। यहां रन जरूर ज्यादा थे पर ओमान ने बहुत विकेट गवाए हैं, और ये फेस जो है वो नेपाल को यहां जाएगा, क्योंकि यहां पार्टनरशिप एक बिल्डअप की थी, नेपाल ने एक कमबैक किया था जो कि एक बहुत ही स्लो स्टार्ट से एक अच्छे पार्टनरशिप पर लेकर गए थे। वहीं पर 41 से 50 ओवर की बात करें तो यहाँ नेपाल ने 84 रन किए 84 5 विकेट के नुकसान पर, वहीं ओमान ने यहाँ 39 रन 39 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। और ये फेस जो रहा, हम कहेंगे ये ओमान के नाम रहा क्योंकि वो मैच भी इस फेस पर लेकर गए, और बहुत आसानी सा मैच उन्होंने कर दिया था जो ऊपर के बल्लेबाजों ने जाते जाते 188 डॉट बॉल यहाँ खेली नेपाल ने अपने 50 ओवरों में, और ओमान ने 186 डॉट बॉल्स खेली अपने 299 बॉल। बिल्कुल, तो फेस बाय फेस में अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्लियरली जो मिड फेस रहा वहाँ पर नेपाल ने जो है बहुत अच्छी वापसी की, जहाँ पर आप देखेंगे 6 विकेट उन्होंने ओमान के जो है वो गिराए हैं मिड फेस में। शुरुआत फेस बहुत ही खराब रहा जहाँ पर ओमान ने डोमिनेट किया, अगर आप देखें कश्यप प्रजापति और अगर आप जसविंदर सिंह दोनों ने बहुत ही सोच समझ कर खेला, कश्यप प्रजापति अगर आगे बात जरूर करेंगे बैटिंग वैटिंग के बारे में अलग तरीके से, लेकिन यहाँ फेस बाय फेस की मैं बात कर रहा हूँ तो लास्ट फेस में नेपाल ने एज बैट से बहुत ही लाजवाब काम किया, जो आप क्लियरली देख पा रहे हैं जहाँ पर 84 रन बनाए, और मेरे ख्याल से आखिरी के 5 ओवर में लगभग 55-56 रन करीब बनाए थे, बहुत ही अच्छा गुलशन ने स्टार्ट कराया था। और वहीं पर अगर आप ओमान के लिए देखें तो ओमान का इन कंपेयर टू नेपाल इतना अच्छा लास्ट फेस नहीं गया, लेकिन उन्हें एट द एंड विन मिला, जाहिर सी बात है खुशी किसकी तरफ गई, दो पॉइंट्स किसकी तरफ गए, वो उसकी तरफ गए जो 39-3 है। डेफिनेटली आपको वो फेस भी ओमान को देना पड़ेगा, क्योंकि वो एट द एंड उस फेस में विक्ट्री टीम होकर निकली, ना कि लूजिंग टीम होकर। यह बात हो गई फेस बाय फेस कंपैरिजन की, जहां पर बहुत क्लोज मुकाबला रहा जैसे कि हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब बात करते हैं नेपाल की बैटिंग के बारे में। जी हाँ, बैटिंग की अगर यहाँ पर बात की जाए तो अगर पार्टनरशिप यहाँ पर बात की जाए, सबसे पहले बैटिंग कार्ड से पहले मैं चाहूंगा आप पार्टनरशिप चार्ट जरा दिखाएं कि पार्टनरशिप्स कहाँ कहाँ पर कितनी हुई है, पहले उसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो टॉप 3 विकेट जो है वो बहुत ही जल्दी गिर गए, और विकेट्स गिरने के बारे में और बैट्समैनों की परफॉर्मेंस के बारे में अभी आगे और बात जरूर करेंगे क्या कुछ निकल कर आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो 31-3 के बाद, उसके बाद 183 रन की पार्टनरशिप हुई है, और अगला विकेट जो गिरा 37 ओवर में जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरा, और ये पार्टनरशिप बहुत ही क्रूशियल रही एक बेस सेट करने में। देखिए बहुत जैसे T20 का क्रिकेट खूब हो चला है तो लोगों को बहुत ज्यादा मार धाड़ चौका छक्का बहुत तेज तरह पसंद आते हैं, तो
शायद इस तरीके की इनिंग्स जो रहती हैं वो ढक जाती हैं। उसके बाद अभी आगे बात करते हैं, उसके बाद थोड़े थोड़े थोड़ी थोड़ी देर पर जो है विकेट्स लगातार गिरते चले गए, लेकिन उसके बाद जो नीचे आकर काम किया गया एक बैट्समैन की तरफ से उसके बारे में बात करते हैं। अब ये पार्टनरशिप कार्ड हमने आपको दिखाया, अब सीधा उसी पर आते हैं, मुद्दे पर वहीं पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अर्जुन जो है इस मौके का फायदा वो नहीं उठा पाए, 5 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे छोटे छोटे मौके जो मिलते हैं उनका फायदा उठाना चाहिए, जरूर जरूर। जानते हैं कि बहुत कम मौके हैं, बहुत ही लगातार मौके देने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन इस कि मौके जब भी मिलते हैं तो एक आध ग्रैब कर लेने चाहिए। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा था अर्जुन, अगर यहाँ पर कुछ 35-40 की इनिंग खेल जाते और एक अच्छा मैसेज देने में कामयाब होते। बिल्कुल सही कहा है आपने, और जितना हो सके करने की कोशिश करनी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यू कमर्स के लिए कि वो आए और बहुत फौरन ही परफॉर्मेंस करके दे। जो बैठे हुए हैं उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, जो नए आए हैं उनकी जगह बनाना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, तो मौके मिले परफॉर्मेंस करिए। बहुत सही कहा है आपने, बहुत अच्छी लाइन बोली है, और इसी इसी को ध्यान में रखना चाहिए अर्जुन को, और उम्मीद रहेगी कि वो आने वाले मैचों में थोड़ा सा ध्यान दे परफॉर्मेंस पर और अच्छा करें, 30-40 के करीब जाए। हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक अच्छी शुरुआत दिलाएं टीम को, ये उनके लिए भी और टीम के लिए भी बेहतर हो। बिल्कुल, उसके बाद बात करते हैं आसिफ शेख की है, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, रन बिल्कुल बल्ले से निकल नहीं रहे। और यार एक चीज और देखने वाली बात होगी, आपने मुझे लगता है नोटिस की होगी, आसिफ के दोनों इनिंग में मैंने एक चीज यहाँ पर क्लियरली फॉलो की, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आसिफ जो है हमें अमूमन दिखते हैं जो उनकी जो बेसिक वो खेलते हैं कि वो बैड डिलीवरीज को किसी भी सूरत पे बाउंड्री के बाहर भेजते हैं या डबल या ट्रिपल के लिए भेजते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं जब से वो कनाडा में आए हैं दोनों मैचेस में, बैड डिलीवरीज को भी वो डिफेंसिव डिफेंस करने के लिए जा रहे हैं या फिर बैड डिलीवरीज को भी वो लीव कर रहे हैं। तो ये जो है ये चीज जो है कहीं ना कहीं उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रही है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज्यादा लो हो रहा है, और वो फिर उसके बाद कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और उसके बाद वो अपना विकेट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज अभी देखने को मिली है आसिफ की इनिंग में, इन दोनों इनिंग में, कि वो बैड डिलीवरीज को भी अननेसेसरी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। डेफिनेटली उन्हें रन में आना पड़ेगा, लेकिन लगातार दो मैचों में फ्लॉप ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद यहां बात करें भीम, उन्हें एक और 11 रन बनाए 32 गेंदों में, उन्होंने भी काफी टाइम लिया, 32 गेंदें ली, लेकिन एक और डिसअपॉइंट परफॉर्मेंस यहां भीम की तरफ से आया है। क्या डाउन है आपका, ये देखना होगा, बहुत क्रूशियल डाउन है, और इस डाउन पर आकर इस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े स्कोर बनने चाहिए यहाँ, 80-85 शतक इस तरीके के, और ऑब्वियसली ये डाउन ऐसा ही है, सॉरी यहाँ कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ ग्रेट्स आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और तो ये डाउन के लिए कोई इसमें वो नहीं है कि 30 बनाइए 25 बनाइए, नहीं, नहीं। वो अर्जुन के लिए था वो, नहीं जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये नीचे टेलेंडर्स लोअर ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन वन डाउन का कोई एक्सक्यूज नहीं है। यहाँ पर ग्रेट्स लोग बल्लेबाजी करते हैं और बड़े बड़े स्कोर यहाँ पर बनने होंगे, चाहे यहाँ से पार्टनरशिप बनाना और बड़े स्कोर करने का नींव रखी जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, टॉप ऑर्डर जो है वो पूरा फेलियर रहा इंपाल का, अगर आप देखेंगे टॉप 3 बल्लेबाज। उसके बाद यहाँ पर आए आरिफ शेख और रोहित पुड़ैल की जोड़ी। अब देखिए यही मैं उस टाइम समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर इन दोनों ने 84 रन किया है पार्टनरशिप की, और 83 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर की है, और मेरे ख्याल से ये आउटसाइड एशिया नेपाल की तरफ से शायद सेकंड सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है, शायद सेकंड या थर्ड है मेरे ख्याल से यह आज पार्टनरशिप आउटसाइड एशिया की अगर मैं बात करूं यहां पर। इससे पहले जो दोनों हैं वो दोनों के दोनों हरारे में हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, जो नेपाल गई थी, एक तो कुशल बुर्तल आसिफ से जो पहला विकेट ही काफी देर में गिरा था। खैर तो यहां पर इन दोनों ने 140 गेंदें आपस में शेयर की, 140 बॉल्स आपस में पार्टनरशिप किए। देखिए अब जैसे उस टाइम मैं कह रहा था कि इस तरह की इनिंग्स जो है आरिफ की इनिंग्स है वो बहुत बोरिंग लोगों को लगेगी, बहुत बोरिंग है, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट देखने वाले, क्या पता शुरू ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा, कहीं ब्लेम गेम चालू ना हो जाए। खैर लेकिन इस तरह का टेस्ट खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट देखने वाले ज्यादा भर गए हैं आजकल, और लीग्स वीग्स देखकर और T20 क्रिकेट देखकर और कुछ कुछ आज फुल मेंबर्स के किसी एक कोई एक हीरोइक इनिंग देखकर तो लगता है कि ये भी चीजें यहाँ पर हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज वहां हो रही हो तो वो क्रिकेट बहुत अलग है। और जब वो लोग शुरुआत कर रहे थे तब उन्होंने भी ऐसा ही क्रिकेट खेला था कि आराम से नींव पकड़कर पार्टनरशिप करकर। तो खैर अब उस मुद्दे पे आते हैं, जो ये 140 गेंदों तक कोई विकेट नहीं गिरा नेपाल का, एक वक्त ऐसा था आज के मैच में 140 गेंदों तक कोई विकेट नहीं गिरा। अब आप हमें बताइए कि अवे मैच में कितनी मर्तबा ऐसा आपको देखने को मिलता है कि 140 गेंदों तक नेपाल का कोई विकेट ही ना गिरा,
ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन था कि रोहित एक तरफ से रन्स कर रहे थे और दूसरी तरफ से आरिफ ने एक छोर संभाला हुआ था कि नहीं चलिए मैं कम से कम विकेट रोक के रखता हूँ, आपका साथ देता हूँ, आप स्कोर करिए, और रोहित वो कर भी रहे। रोहित ने बहुत बेखूबी साथ निभाया, रोहित ने बहुत ही अच्छी की रही आज, बीच में उन्होंने अटैक भी किए, उन्होंने सिक्सेस भी लगाए, उन्होंने बाउंड्रीज भी निकाली, रन भी बहुत दौड़े, यानी कि सिर्फ सिक्सेस पर ही भरोसा रखा उन्होंने, उन्होंने रन भी लगातार लिए और एक अपनी गलती से एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिली है, जहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है यहाँ पर जरूर है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे हमने पहले कहा कि आरिफ की इनिंग को यहाँ पर अवॉइड कर दिया जाएगा बहुतों की तरफ से, लेकिन वो होनी नहीं चाहिए, वो किसी भी सूरत में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि 140 गेंदों तक अगर आप अपोनेंट को विकेट नहीं देते हैं तो वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कप्तान के पास प्लान्स कुछ नहीं बचते, वो बॉलर्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, एक एक दो दो घंटों तक वो बिना विकेट्स के फील्डिंग कर रहे हैं, बिना किसी खुशी के मौके के फील्डिंग कर रहे हैं, उसमें वो ज़्यादा डिमोटेड होते हैं, और उस चीज़ का बखूबी फ़ायदा रोहित पोडेल ने भी उठाया और फिर नीचे आकर गुलशन झा ने भी उसका बखूबी फ़ायदा उठाया जब कैप्टन के पास ज़्यादा कुछ प्लान्स वगैरह बचे नहीं थे। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अलग रोल था आरिफ का, आज उन्होंने 33 रन किए लेकिन जो एक छोर संभाल के रखा वो कमाल का था। अब बात करते हैं रोहित पोडेल के बारे में, उनकी इनिंग भी बहुत अच्छी रही है, उन्होंने उस रन को लगातार बनाए रखा, आरिफ ने छोर संभाला था लेकिन रन बनाने का काम रोहित ने, फिर गुलशन पे भी आएंगे, रोहित ने किया बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है, 83 का स्ट्राइक रेट है, 60 रन किए, बहुत बेहतरीन रन को जो एक फ्लो बना के रखा उन्होंने वो काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी इनिंग रही रोहित पोडेल की। अगर हम बात करें इस तरीके की इनिंग्स, जरूर उनसे उम्मीद रहती है कि वो इस तरीके की, कैप्टन से ऐसी इनिंग की उम्मीद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत उम्दा इनिंग रही है अगर हम उनकी इनिंग की पूरे बात करें, रन्स बनाए हैं, स्ट्राइक रेट को अच्छा रखा है, रनिंग बिटवीन द विकेट काफ़ी अच्छी रही है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल, अब देखिए अब यहाँ पर आमूमन रोहित पोडेल की बात जो है वो कंप्लीट हो जाएगी ज़्यादातर वीडियोस में, जो आप एनालिसिस कहीं पर भी अगर आप सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर ये डेली क्रिकेट हमेशा आपके सामने रखता है। अब 60 रन बनाकर रोहित पोडेल 41वें ओवर में जिस तरह से जिस शॉट में वो आउट हुए वो फिर से उन्होंने एक थोड़ी सी गड़बड़ी जरूर कर दी। अब ये थोड़ी सी सोचने वाली बात यहाँ पर हो जाती है, अभी भी 9 ओवर टीम के पास मौजूद थे, रोहित पोडेल सिंगल लेकर इस तरफ आ सकते थे, थोड़ा और वो डीप जाने की कोशिश करते, क्या रोहित पोडेल ने एज अ कैप्टन अपनी जिम्मेदारी निभाई? बिल्कुल निभाई। बिल्कुल, क्या रोहित पोडेल ने पूरा काम अपना कंप्लीट किया? जी नहीं, वो नहीं कर, जी हाँ, वो लास्ट में जो काम उनका और थोड़ा सा बचा था वो उन्हें करना चाहिए था, वो जितना डीप आते हैं क्योंकि जमा हुआ प्लेयर आमूमन बड़े शॉट खेलने से बचने की कोशिश करता है, जो प्लेयर सेट है वो रिस्क नहीं लेता, नहीं लेता, वो एक पक पे जाकर कहता है एक काम करिए मैं नॉन स्ट्राइक रेट पे रहता हूं, अब मेरे सामने वाला जो बैट्समैन है वो आप हिटिंग करिए, चाहे वो गुलशन हो, चाहे वो अनिल आए या फिर आरिफ क्यों ना हो, आप हिटिंग करिए और मैं एक दूसरा शॉट संभाल के रखता हूँ। वहाँ पर थोड़ी सी रोहित से चूक हुई कि वो थोड़ा सा और डीप लेकर आते, 46-47 ओवर तक खुद को लेकर आते तो हमें यकीन मानिए आप इस स्कोर में 20-30 रन और ज़्यादा ऑटोमेटिकली एड ऑन होते हुए देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत जल्दी कर दी उस शॉट को खेलने में 41-42 ओवर, इससे पहले भी उन्होंने कुछ शॉट्स खेले जो बाउंड्री पार जरूर गए लेकिन तब वो एक आरिफ के वजह से जो स्ट्राइक रेट स्लो हो रहा था उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल सही था। लेकिन इस वक्त पर जब मुझे लगा कि अब हम थोड़ा सा निकाल कर लेकर आ गए हैं तो क्यों ना अब मैं अपना विकेट बचाऊं और सामने वाले को कि आप अटैक करिए, वो थोड़ी सी चूक यहाँ पर जरूर हुई है। उसके बाद एंड बात करते हैं यहाँ पर गुलशन झा के बारे में, गुलशन झा की जो इनिंग रही है वो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि एक जो आरिफ और रोहित ने मेहनत कर वहाँ तक पहुँचाया उसको एक बहुत ही अच्छा फिनिश देने में पूरी कसर उन्होंने दी, 100 out of 100 मार्क्स आप गुलशन झा को, हम यहाँ पहले बैटिंग की बात कर रहे हैं देने पड़ेंगे, बिल्कुल कोई इसमें दोहराई की बात नहीं है, well done, खेले, well बहुत अच्छा खेले, हीरोइक इनिंग से ही कहते हैं, जरूर जरूर 150 की स्ट्राइक रेट है और क्या उम्मीद करेंगे आप इस छोटे से एक लिमिटेड टाइम में, जब वो आए तब से लेकर तुरंत गेयर ही उन्होंने बदल दिया पूरा, तो बहुत अच्छा खेले हैं, 53 रन किए, 35 बॉलों में 4 छक्के हैं, 3 चौके, बाउंड्रीज 5 छक्के हैं, बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज हैं, तो जो एक काम था वो उन्होंने बखूबी निभाया है, बहुत बहुत ही अच्छा काम किया है गुलशन झा ने अपनी इस इनिंग के दौरान, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर उनकी जो इनिंग रही है वो काबिले तारीफ रही है। और जो आकिब इलियास पे एक ओवर में 23 रन उन्होंने लगाए, अलग अलग तरफ स्वीप कर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारा, लेग साइड पे मारा, कमाल का वो था, और उसमें आकिब की भी कई गलतियां हैं जो आकिब की बॉलिंग पे बात जरूर
जरूर करेंगे, लेकिन गुलशन झा की इनिंग कमाल की रही और डेफिनेटली उन्होंने एक क्लियरली मैसेज अपने दो और ऑलराउंडर साथी ऑलराउंडर को भी भेजा है कि आपका काम सिर्फ टीम में रहना नहीं है, परफॉर्मेंस करके भी देना है। एक आध मैचों में नहीं होती चलता है, लेकिन लगातार परफॉर्मेंस ना करना वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। और बात कर रहे हैं कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह हैरी की, जिनके सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट किया है गुलशन झा ने आज की डेट में, बैटिंग से भी और फिर बॉलिंग की बात भी करेंगे। उसके बाद सोमपाल कामी ने बहुत अच्छा फिनिश दिया लास्ट में और टीम को एक और अच्छे खासे 220 तक पहुंचाने में वो कामयाब हुए। उसके बाद अब बात करते हैं सीधा बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में और अनिल शाह की। जहां तक बात है तो अनिल शाह को डेफिनेटली, अगर आप अनिल शाह का ऑर्डर की वजह से थोड़ा दिक्कत उन्हें हुआ है, अगर वो मेरे ख्याल से ओपनिंग आते हैं तो शायद वो ज्यादा हमें बेटर करते हुए नजर आते बजाय बहुत ज्यादा नीचे वो आए। हालांकि शॉट उनका भी खराब था, उन्हें भी किसी सूरत में वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था क्योंकि उन्हें पता है कि सामने गुलशन झा काफी हिटिंग कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ एक रन देकर गुलशन झा को स्ट्राइक देना है, ये छोटी छोटी चीजें खुद को एडजस्ट करना चाहिए। अब मैं ओपनर हूं, मैं वन डाउन का ही हूं, मैं शुरुआती दौर में नहीं होता, जब आप बहुत बड़े बन जाते हैं तब वो सब नखरे आते हैं। ये थोड़ा सा एक रन देकर गुलशन आप आ जाइए, बस इतना करना था आपको, वो शॉट अवॉइड कर सकते थे। एंड बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पर ओमान के, बॉलिंग कार्ड ऑलरेडी आ रहा है, समझाएंगे बॉलिंग कैसी रही है, क्या रही है, किस तरह की रही है, क्या बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी फयाज भट्ट और कलीमुल्ला ने जो बॉलिंग कराई है वो बहुत अच्छी रही है। दोनों ने दो दो विकेट निकाले हैं, अच्छी लाइन को पकड़ कर रखा, स्टंप लाइन, ऑफ स्टंप लाइन, और नई बॉल से थोड़ा खिलाने की कोशिश की, स्लिप लेके रखी, वो बहुत अच्छा था। और शुरुआत में जो शकील अहमद ने एक प्रेशर बनाया हुआ था, जो प्रेशर माउंट हुआ, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे बल्लेबाज को बार बार वो आगे लेकर आ रहे हैं, तो आप और शॉट लेग भी लिया था, स्लिप भी थी, कवर भी था, काफ़ी प्रेशराइज फील्डिंग ली हुई थी उन्होंने। तभी उनके स्पेल देखिए आप, तो 10 ओवर में 29 रन, एक विकेट निकाला है उन्होंने, बहुत अच्छा कराया, वही पावर प्ले में बैक टू बैक लॉन्ग एक स्पेल रहा उनका, वो भी उन्होंने शानदार बॉलिंग कराई है। और उसके ये तीन बॉलर्स ने जो आज बेस्ट बॉलर रहे हैं ओमान के लिए, अगर हम देखें कलीमुल्ला, फयाज भट्ट और शकील अहमद, और अदर बॉलर्स से यहाँ थोड़ा सा और बेहतर होता तो, लेकिन सामने बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा खेला, उनकी तारीफ करनी होगी। उसके बाद हम देखें अगर अयान खान विकेट लेस गए हैं थोड़ा, अगर विकेट उन्हें भी मिलते तो यहाँ और प्रेशर नेपाल पे बनता, लेकिन बैटिंग नेपाल की बहुत शानदार रही कुछ फेसेस में, और ज्यादातर फेसेस में अगर हम देखें आरिफ और रोहित ने जो बल्लेबाजी की वो तीन प्लेयर्स रोहित जी, हाँ, जी आरिफ और गुलशन झा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी कर ओमान के कुछ प्लान्स को फेल किया है। आकिब अच्छा जा रहे थे लेकिन एक ओवर में जो गुलशन ने, वो फैसला कैसा लगा आपको 46वां ओवर खुद को लेकर आना एज अ स्पिनर? हमने कई ब्लंडर देखे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, डेथ ओवरों में स्पिनर को लेकर आना, एक आध बार ठीक हो जाना, लेकिन 9 बार गलती हुआ है, बिल्कुल ये फैसला तो ठीक है ही नहीं डेली क्रिकेट तो इसे माने। जो रोहित ने पिछले मैच में गलती की थी कनाडा के खिलाफ वो एग्जैक्टली आकिब ने कर दी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये फैसला तो हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी स्पिन फ्रेंडली पिच हो, पूरी एक हाथ की टर्न भी हो रही हो, वहां पर 19वां ओवर T20 में और 48 या 49वां ओवर ODI में कभी भी आप नहीं दे सकते स्पिनर्स को। बिल्कुल 40वां ओवर लेकर वो आए थे और उसमें जो गुलशन झा ने उनका हाल किया वो चारों खाने चित कर दिया, तभी आया ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आपको बैट्समैन को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने भी कई सारे प्लान फेल किए ओमान के, जहां पर एक वक्त स्ट्रांग पकड़ थी उनकी लेकिन वो पकड़ उनके हाथ से रिलीज होती चली गई, पहले आरिफ और रोहित ने मजबूर किया, उसके बाद गुलशन झा ने अटैक से उन्हें फिर परेशान किया। अब बात करते हैं चेस की, ओमान की अगर चेस की यहाँ बात करें शुरुआत इससे बेटर नहीं हो सकती, बिल्कुल 75 रन पर पहला विकेट गिरा, दोनों ने जबरदस्त शुरुआत की, हालांकि यहाँ कश्यप प्रजापति जो है वो काफी शेकेबल नजर आए, बहुत उनके एज जो है वो बहुत आगे गिरे, बहुत पीछे गिरे, कई बार वो एज से बचे भी, अपील वगैरह भी हुई लेकिन एज उनका नहीं था, लेकिन बहुत बार बहुत ही क्लोज गए, बहुत आगे गिरी है, बहुत फील्डर के पीछे गिरी, कभी कभी बिल्कुल आगे गिरी, तो बहुत उनके एज वगैरह है, लेकिन जतेंद्र की जो 41 रन की इनिंग है वो ज्यादातर क्लिनिकल रही थी, बहुत एक्सपीरियंस झलक रहा था उनके उस 41 रन में, वो बार बार कश्यप को भी समझा रहे थे, लेकिन 75 रन पर जब पहला विकेट गिरा तो उन्होंने ही सबसे बड़ी गलती कर दी। एंड अगर आप शॉट देखते तो मेरे ख्याल से आपने देखा भी है बाद में, लेकिन पूरा मैच जब हमने देखा तो अगर आप शॉट देखते, संदीप लामिचंद ने हालांकि पार्टनरशिप ब्रेक किया जो कि रहते ही है संदीप लामिचंद, कोई विकेट नहीं ले पा रहा था, तब संदीप ने आकर पहला विकेट वहां पर लिया और उसके बाद से एक दरवाजे खुल गए लगातार विकेट निकालने के, फिर आगे गुलशन ने कमाल की बॉलिंग कराई, आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन यार बहुत ही खराब शॉट खेला उन्होंने, संदीप की बॉल पर वो आप समझ लीजिए एक अजीब सा स्वीप मारने के लिए जा रहे थे, ये तो होता ही है, और
ये किया गया है, जब आप नहीं चाहते कि वो चीज़ करें और वो चीज़ आप करने के लिए जाएं तो यही हाल होगा, आप आउट ही होंगे। वो प्लान नहीं था शायद, बिल्कुल नहीं था। वो शॉट ऐसा था यार, वो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये स्वीप मारने जा रहे हैं या कोई कट मारने जा रहे हैं। बिल्कुल डबल माइंड रह गए, डबल माइंड रह गए, कन्फ्यूज रह गए। और जब बैट्समैन कन्फ्यूज हो जाए तो वो बॉलर की जीत है। अमूमन उस बॉलों में विकेट मिलते ही हैं बॉलर को जब बल्लेबाज कन्फ्यूज। बिल्कुल। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अगर आप देखें, आकिब इलियास आए तो उन्होंने भी कुछ अच्छे रन किए, 29 रन जरूर किए, काफी तेज वो खेल रहे थे, काफी अटैक कर रहे थे वो। संदीप पे भी उन्होंने कुछ बाउंड्रीज लगाई, बाकी बॉलर्स पे भी लगाई, लेकिन उसके बाद आकिब इलियास की भी है लंबी, अपनी इनिंग को लंबी नहीं, ज्यादा ही तेजी में, आपको ज्यादा ही तेजी में आ गए, इतना भी तेज नहीं होना था आपको, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट का पहाड़ आपके ऊपर नहीं था ना, आपके आपके बहुत सारे विकेट गिर गए थे। तो ये एक थोड़ी सी आपके गैर जिम्मेदार क्रिकेट यहाँ पर आकिब की तरफ से आया। सिर्फ 29 रन बनाना आपका काम नहीं था, आपको टीम को जीत तक पहुंचाने की जरूरत थी, जो रोहित ने आज के मैच में काफी बेटर किया, क्योंकि बल्कि उससे बेटर सिचुएशन पे आकिब आए थे लेकिन उन्होंने अपना विकेट गवा दिया, लेकिन रोहित ने काफी अच्छा संभाला आज के मैच में। खैर उसके बाद प्रतीक अथावाले ने थोड़ी कोशिश उन्होंने भी की, लेकिन वही रही, थोड़ी थोड़ी कोशिश ही ये सारी रही है 26 तक, वो एट द एंड वो थोड़ी थोड़ी कोशिश जो मिलकर एक विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन भी गिनी जाएंगी, अब वो बात और है, वो बात और है तो वो विनिंग में ही आएंगी, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी और बेटर है यहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि 26-29 रन काफी हो गए। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, और ये परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी हुई नहीं है, आप देखे अयान खान को भी देख ले, 25-30 रन कुछ होते नहीं है। जैसे हमने कहा भी था अपने मैच रिव्यू में कि बैटिंग का जो एक डिपार्टमेंट है अगर वो हमें अच्छा होता हुआ दिखा तो ही हम 250-270 का स्कोर देखेंगे, वरना 225-30 का ही स्कोर हमें मैच रिव्यू जाकर लाइन सुन सकते, ये लाइन सुन सकते हैं आप, सुना भी होगा आप लोगों ने, तो बिल्कुल यही हुआ है। टारगेट इतना था नहीं तो 25-30 काफी हो जाते हैं, अगर 5-6-7 प्लेयर मिलकर 25-30 कोई मार रहा है तो ऑब्वियसली टीम वहां तक पहुंचेगी जरूर, और यही हमें ओमान के इस कार्ड में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद आप देखिए अयान खान बिल्कुल नहीं चले, प्रैक्टिस मैचेस में बहुत अच्छे बल्ला चला था उनका, लेकिन यहाँ पर मेन मैच में रन उनके बने सिर्फ 9 रन, खालिद खेल ने 17 का कंट्रीब्यूशन दिया, शोएब खान ने 26 कंट्रीब्यूशन दिया, नीचे शकील अहमद का जो 17 रन का कंट्रीब्यूशन आया वो बड़ा क्रूशियल कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं निकल कर आया, और उसके बाद कलीम उल्ला के बल्ले से जो चौका गया वो भी विनिंग कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं, जैसे अन्य अभी सब बहुत अच्छे एक लाइन आया आपने कही कि जब आपके सामने छोटा चेस था तो उस सिचुएशन पर 5 प्लेयरों ने मिलकर मारे तो वो कंट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन अगर आप पहले बैटिंग कर रहे होते तो डेफिनेटली ये एक्सक्यूजेस नहीं होते कि आपने 20-25 मारे वो काफी हो गया, ये सोचने वाली बात यहाँ पर जरूर हो जाती है। तो एट द एंड ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है ओमान जो है वो आखिरकार जीत तक पहुंचा और लास्ट में नर्व्स पे पकड़ रखने में कामयाब हुआ, और जो दो चौके आए एक शकील अहमद के बल्ले से निकल कर गया पीछे की तरफ और एक कलीम उल्ला के बल्ले से आया, उसने सारा मामला खराब कर दिया। और जहां पर मेरे ख्याल से सोमपाल कामी के पास है ना 9 रन या 10 रन करीब थे लास्ट ओवर में डिफेंड करने के लिए। खैर उसके बाद एंड बॉलिंग की यहाँ बात की जाए, अगर नेपाल की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे, बॉलिंग का ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, किन की तरफ से और ज्यादा एफर्ट या और ज्यादा यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत थी आज के मैच? बिल्कुल संदीप है, सोमपाल है, ललित राज बंसी है, और बहुत ये तीनों जो बॉलर हैं अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस लेते हुए जा रहे हैं, और सोमपाल संदीप की तो बात ही रहने दीजिए आप, वो तो खैर बहुत एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली है थोड़ा और यहाँ पर स्टेप अप की जरूरत थी इस स्कोर में, 221 के स्कोर में बहुत जिम्मेदारी लेने की जरूरत थी, जो कि सीनियर बॉलर्स हैं, बिल्कुल नहीं दिखा, बहुत रन खर्च कर दिए सोमपाल ने, और वहीं हमने संदीप को देखा, इतना कोई इम्पैक्टफुल कहना होगा कि जरूर थोड़ा सा और यहाँ चांसेस मिस होना या अपील टर्न डाउन हो जाना वो सब एक गेम का हिस्सा है, लेकिन और बेहतर एट द एंड विकेट मैटर करता है, विकेट मैटर करता है, वो हमें संदीप की तरफ से दिखा नहीं। और सोमपाल तो खैर हेवी रन्स के लिए गए हैं, वो उनकी तरफ से ही परफॉर्मेंस इतना अभी दमाग रहा नहीं, करण केसी ने एक अच्छा परफॉर्म किया, 2 विकेट जरूर निकाले हैं, ये उनके लिए खुद के लिए एक अच्छा होगा कि शायद वो रिदम पा सके आने वाले मैचेस में। और गुलशन झा की क्या बात करनी, गोल्डन आर्म आप कहें तो कम होगा, बेहतरीन फाइफर निकाला है, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, जब जब आ रहे हैं तब तब विकेट निकाल के दे रहे हैं, तब तब टीम को एक उम्मीद जगा रहे हैं कि शायद हम जीत सकते हैं, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है गुलशन झा। बिल्कुल, इसी में एक चीज़ पूछना चाहूंगा आपसे, जो 5 विकेट उन्होंने लिए हैं, 2 मैडन और 47 रन देखे जो 5 विकेट उनके रहे हैं यहाँ पर, तो इसी में एक चीज़ मैं जरूर पूछना चाहूंगा, वो जो विकेट्स निकालने में कामयाब हो रहे थे उसके पीछे कहीं ना कहीं वो क्लियर रीजन हमें समझ में आया, जो है ना आप पिछले एनालिसिस भी आप बॉलिंग के बीच में बात कर रहे थे कि जो कनाडा के बॉलर्स थे उन्होंने वो चीज़ की थी जो गुलशन ने आज यहाँ पे की, कि वो उस लेंथ पर डाल रहे थे जहाँ पर बैट्समैन कन्फ्यूज थे कि हमें इस बॉल को लीव करना है या फिर हमें इस बॉल को
जो है वो खेलना है उस चक्कर में कई सारे विकेट्स गिरे जो कि 30 यार्ड में गुलशन ने निकालने में कामयाब है। दिमाग से बहुत ज्यादा गुलशन ने खेलने की कोशिश की है अपने लेंथ से। आज उस लेंथ को समझाएंगे आप, वो लेंथ कौन सी होती है? जरूर जरूर, 4 से 6 मीटर का एरिया है वो, आप गुड फुल लेंथ और गुड लेंथ के बीच में। जी हाँ, उसे हम 4 से 6 गुड लेंथ शुरू ही होता है वहाँ से, और फुल लेंथ पूरा, फुल लेंथ पूरा और गुड लेंथ शुरू होती है, तो वो है। और इस लेंथ पर उन्होंने बॉल रखी है, ये सबसे कंफ्यूजन लाइन है कि यार आगे जाएं पीछे जाएं, ये बहुतों के साथ बल्ला लगाएं ना लगाएं। जी हाँ, ये बहुत होता है ऐसा, रियल में ऐसा होता है, बहुत कन्फ्यूज वाली लाइन होती है, डेंजरस लाइन है। अगर आप ऑफ स्टंप पर रखते तो ये ऑल डेंजरस हो जाती है, जो गुलशन झा काफी अच्छा कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा। तो ये रीजन रहा है कि गुलशन झा ने बहुत अच्छी नर्व्स पकड़ी थी आज, कि उनकी ज्यादातर गेंदें उसी लेंथ पे पड़ी थी जो कि बैट्समैन के लिए कंफ्यूज लेंथ होती है, और उसी वजह से गुलशन झा को काफी ज्यादा सक्सेसफुल आज के मैच में मिला, जो वो स्पॉट ऑन कर पाए। और जब जब वो आए, जब जब उन्होंने विकेट निकाला, उम्मीद बना के रखी थी। आप देखिए, जब 8 विकेट थे, मेरे ख्याल से 9वां विकेट भी उन्होंने ही लिया, जब उन्होंने अपना 5 ओवर कंप्लीट किया, वहां पर भी थोड़ा सा पार्टनरशिप हो गई थी, वो भी पार्टनरशिप उन्होंने यहाँ कर ओवर खत्म हो गए, और लास्ट सोमपाल खामी जो है वो 10 रन डिफेंड नहीं कर पाए और टीम जो है यहाँ पर हार गई। तो एंड बिल्कुल सही कहा आपने, बॉलिंग में सोमपाल संदीप और ललित राजवंशी, इनसे जो बड़े नाम है टीम में बॉलिंग कैटेगरी में, उनसे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन की उम्मीद थी। सोमपाल ने डिसअपॉइंट किया, संदीप से और बेटर की यहाँ पर उम्मीद थी। 10 ओवर में 44 संदीप के फिगर के लिए काफी नहीं है, और ललित ने 6 ओवर जरूर डाले, उसमें विकेट नहीं निकाल पाए। विकेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था जब आप इस तरह के लो टोटल को डिफेंड करते हैं। तो एट द एंड यहाँ पर ओमान ने नर्व्स रखा और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए कलेक्ट किए, और अब उनके अगर 5 मैचों में 5 पॉइंट हो गए हैं। और नेपाल के लिए अब जो है बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं रास्ते, जो यूएई के तो पद से बदतर है ही, अब एशियन टीमों में नेपाल के भी अब 6 मैच हो गए हैं और पॉइंट है सिर्फ 2। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा अब ये, और ये हार और ज्यादा लगेगी क्योंकि यहाँ पर कुछ प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और गुलशन झा के बारे में क्या ही कहें, जो उन्होंने उनका फाइट दिखा, जो उनकी तरफ से मेहनत दिखी, आरिफ ने जो एक छोर संभाल के रखा, रोहित ने जो अपने गेम में थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन किया, ये सब चीजें, आरिफ ने यहाँ तक की बॉलिंग में भी एक विकेट निकाला है, बहुत अच्छा उन्होंने किया है। 6 ओवर बहुत बांधे रखा था उन्होंने, बहुत बांधे रखा है बहुत, और एक अच्छा है कि 6 बॉलरों के साथ यहाँ पर आज बॉलिंग कराने को दिखा नेपाल ने, जो बॉलिंग कराई वो गलती सुधारी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा रहा। कुछ प्लान्स वगैरह तो अच्छे रहे, बस थोड़ा सा कहना होगा आज जो बल्लेबाजों ने कुछ बल्लेबाजों ने जो रन्स जो नहीं किए वो काफ़ी ज़्यादा असर किया, और बॉलिंग से हम कहें मेन जो बॉलर्स हैं, बड़े बॉलर्स हैं, उनकी तरफ से थोड़ा परफॉर्मेंस आया नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो खैर, ये कहीं ना कहीं वजह रही है कि नेपाल की जो इस मैच में हार हुई है एट द एंड, और ओमान की जो है यहाँ पर एट द एंड जीत हुई। आप देखिए आप देखेंगे कि सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, आप घूम फिर कर लास्ट ओवर में आ जाइए तो भी आपको वही लगेगा, 1 ओवर में 10 रन डिफेंड करने थे, सोमपाल नहीं कर पाए। वो कैसे भी आए, क्या है, रन्स होते हैं, कोई पता है, वो मैटर नहीं करता, 2 पॉइंट वो ले गए, जीत उनके हाथ से में आ गई, लेकिन सोमपाल 10 रन डिफेंड नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली जैसे आपने समझाया कि जो बड़े बॉलर्स हैं सोमपाल संदीप, उनकी तरफ से वो परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आई, कि जब गुलशन जो है वो अकेले पड़ते हुए दिखे हमें, गुलशन और आरिफ जो है वो अकेले पड़ते हुए दिखे, वो साथ किसी और बॉलर की तरफ से मिला नहीं, करण केसी के अलावा। करण केसी ने बहुत अच्छा बखूबी साथ दिया। तो आज के मैच में बहुत कुछ अच्छा भी था नेपाल के लिए, जो हमें पहले मैच में नहीं दिखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से इस मैच में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और अब जो है चीजें और ज्यादा उनके लिए मुश्किल होती जा रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, जहां पर 4 हार जो है, एक ही जीत है, 5 हार यहां पर हो गई है, और ओमान के लिए एक बूस्ट अप जरूर है। लेकिन फिर भी ओमान का जो परफॉर्मेंस है वो भी जीते जरूर है, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनका भी डगमगाएगा कनाडा के सामने फेस करने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने, और ये अगर परफॉर्मेंस इस तरीके की रही तो बिल्कुल नहीं, आपको उठाना होगा, परफॉर्मेंस तो कहीं से भी अच्छी नहीं रही है। ओपनर्स ने कुछ अच्छा पार्टनरशिप दिया, ये एक अच्छा पॉइंट था कि ओपनर्स ने मिडिल ऑर्डर पूरा फ्लैट, जरूर जरूर, और बॉलिंग यूनिट ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया कि बंच पर विकेट निकाले हैं, बस यही कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं, जैसे कुछ स्पेल्स अच्छे रहे हैं, वरना बल्लेबाजों ने कोई ऐसा खासा इम्प्रेस किया है नहीं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, बाकी सारे अपडेट्स के लिए क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए, और उम्मीद है कि आपको ये डिटेल और फैक्ट एनालिसिस जो है पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।